सो ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए हम बात करें तो कुछ स्लाइड्स भी बनाई हैं, ठीक है, कि हमें कैसे फिजिक्स को डील करना चाहिए और उसमें ओवरऑल स्टडी को कैसे डील करना चाहिए। तो सबके व्यूज़ हैं, सारे रेस्पेक्टेड फैकल्टीज़ के, और उसको समराइज करके मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली स्लाइड में हमने लिखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द क्लास। क्लास में हम कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, कितना फोकस कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पहली सीडी यही है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन इन क्लास, अब क्लास में कॉन्सेंट्रेशन आपका जितना ज़्यादा होगा, मतलब इतना ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है कि पास वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम बिल्कुल टीचर के साथ एकदम फोकस रहे, क्योंकि जब हम फोकस रहेंगे तभी हमारी ग्रहणशीलता बढ़ेगी, हम उसको एक्सेप्ट करने के मोड में आएंगे। क्योंकि एक्सेप्टेशन मोड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है वहाँ क्लास में बैठने का। दूसरा कारण ये भी है कि जो टीचर क्लास में आता है सामने, वो अपने 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस को लेके आता है, और उसके पास में जितनी किताबें हैं, इतने सालों से वो पढ़ रहा है, उसका बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करता है, और जितना वो प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पे देता है, उतना बाई गॉड वो घर पे भी नहीं देता है। अगर उसके खुद के बच्चों को पढ़ाना हो तो मैं तो एटलीस्ट नहीं दे पाता। इवन आज ही की बात कह दूं, कल गुड़िया के संस्कृत का एग्जाम है, तो मैंने कहा तूने पढ़ लिया? कि हाँ पढ़ लिया। मैंने कहा आ जाएंगे 10 में से 8? तो कि हाँ आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अब पूछने की भी जरूरत नहीं, समझ रहे? क्योंकि हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्लास में उस चीज को देने के लिए, और उसमें अगर आप हाईली कॉन्सेंट्रेट और फोकस नहीं बैठे हैं तो फिर उसकी यूटिलिटी नहीं रहेगी। इतना कॉन्सेंट्रेट रहना है कि उसको आप वहीं डाइजेस्ट कर ले। जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, मैं खुद अगर कभी कोई लेक्चर वीडियो देखता हूं तो उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना पसंद करता हूं, जिसमें कोई पास में बैठा ही ना हो, थोरली डाइजेस्ट हो जाए। और इवन 1-2 महीने बाद जब क्लास में ले रहा होता हूं तो उसको डरते डरते एक बार उठा ही लेता हूं कि हाँ चलो चालू तो करते हैं, और वो निकल भी जाता है वहां पे, समझ रहे हैं? तो कॉन्सेंट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सबसे पहले आप पढ़ने के लिए क्लास में ही आते हैं। तो वहां पे अगर हमने दे दिया तो हमारा 90% काम कंप्लीट हो चुका है कि हमने एक चीज को पूरा समझ लिया, क्योंकि टीचर ने अपने एक्सपीरियंस से दिया है, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। रिवाइज क्लास नोट्स ऑन द सेम डे, इसको लेके सारे टीचर एकमत है, फिर भी आप सुन लें, सारे टीचर एक ही चीज कह रहे हैं कि सेम डे जाके क्लास नोट रिवाइज करें स्टूडेंट जो टीचर ने आज पढ़ाया है, क्योंकि 1.5 घंटे हमने दिया है ना, तो आपको उसको रिवाइज करने में फिर टाइम लगेगा, तो उसको उसी दिन रिवाइज करें। अब जब रिवाइज कर लिया है तो एक तो टीचर का जो नोट्स है ना, वो नोट्स हमने पढ़ लिया, नोट्स पढ़ने के बाद उसको याद करना है, याद भी कर लिया, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन भी कर ली, ठीक है साहब। इवन उसको रिवाइज करते वक्त ये भी देख लिया कि अगली बार जब रिवाइज करना है तो इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज करनी है, तो उसको हाईलाइटर से आप उसी वक्त हाईलाइट कर दें कि अगली बार में ये पूरे 10 पेज नहीं पढ़ने हैं, इसमें से ये इतना 3-4 पेज का कंटेंट पढ़ते ही ये 10 पेज अपने निकल जाएंगे, ये एग्जाम्पल ईजी था, हमको आता है, इसको देखने की जरूरत नहीं, इसमें ट्रिक था तो यहाँ पे देखने की जरूरत है, पूरा एग्जाम्पल भी देखने की जरूरत नहीं, इस ट्रिक से निकल जाएंगे हम। तो उस क्लास नोट्स को रिवाइज करना है, उस क्लास नोट्स को रिवाइज करने के साथ साथ उस पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? शीट से करनी है। शीट बहुत ही एग्जॉस्टिव है, चाहे मेडिकल का हो चाहे IIT का हो, ठीक है। तो उस शीट से उस कंसर्निंग टॉपिक के 5-5, 7-7 क्वेश्चन आप 8-8 क्वेश्चन कर लें। फिर आपके पास में कोई बुक है और वो बुक टॉपिक वाइज है, आपको पता चलता है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन है, तो उस बुक के भी वहां से वो क्वेश्चन उस टॉपिक के कंसर्निंग टॉपिक के कर लें, तो वो क्या होगा, वो क्लास नोट अपने आप में समराइज हो जाएगा। इवन जब आप क्वेश्चन कर लेंगे, फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ थियोरी, इट इज सब्जेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स, आपको न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना है। वंस यू गो थ्रू द न्यूमेरिकल देन यू कम टू नो कि हमारे को ये न्यूमेरिकल से ये कंसेप्ट समझ में आया है, रेदर देन कि थियोरी पढ़ के समझ में आ जाएगा। थियोरी पढ़ के समझ में नहीं आएगा, थियोरी को न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के बाद समझ में आएगा कि थियोरी भी यही कह रही है जो ये न्यूमेरिकल कह रहा है। तो आप न्यूमेरिकल को उसी वक्त उसके साथ साथ कर लें। उस न्यूमेरिकल को करते वक्त भी एक चीज का ध्यान रखें कि जैसे शीट से न्यूमेरिकल कर रहे हैं या बुक से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहले शॉट में ही सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजीली आप कर लेंगे, तो उस पे एक छोटा सा क्रॉस लगा दें, मतलब उसको थ्रू आउट द ईयर देखने की जरूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उस पे एक सर्कल लगा दें कि इसका आंसर हमें देख के करना पड़ा या ये हमारा एक डाउट था, तो उसको आपने सर्कल कर दिया। हो सकता है 10 में से 8 सर्कल करने पड़े आपको, कोई इशू नहीं है, 10 में से 8 सर्कल आप कर दीजिए कि हमें इसको वापिस देखना पड़ेगा और अभी तो ये हमारा सॉल्व भी नहीं हुआ है, तो आपने सर्कल कर लिए। कुछ
कुल मिला के अगर 10 में से 8 सर्कल किए हैं तो 20% बुक्स तो खत्म हुई, 20% शीट तो खत्म हुई, और रही बात वो 80% का, उसको रिवीजन में वापस लेंगे। पहले तो वो क्लास में शीट सॉल्व होगी तो डाउट सॉल्व हो जाएंगे आपके, फर्दर आप उसको वापस रिवीजन में लेंगे तो आपको पता होगा कि ये 20 तो नहीं देखना है, ये 8 देखना है। अब जब आप रिवीजन उसको कभी करेंगे तो वो 8 जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा उस 8 में से भी 4 हो रहे हैं आसानी से, 4 नहीं हो रहे हैं। तो सेकेंड शॉट में आपके पास 40% सिलेबस ही रह जाएगा, ना कि हम पूरा सिलेबस थ्रू आउट द ईयर कर पाएंगे, कि ना तो पूरी कॉपी रोज रिवाइज कर पाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा हैं, चैप्टर्स भी हैं, और ना ही हम पूरे न्यूमेरिकल्स रोज रिवाइज कर पाएंगे। हमारे पास में न्यूमेरिकल्स टिक किए होने चाहिए कि इन न्यूमेरिकल्स में मुझे इन ट्रिक्स के साथ में वापस डील करना है क्योंकि मुझे याद नहीं रही, या ये मुझे वापस सॉल्व करने हैं, इससे चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो हमारे पास में 10 में से 20 या 30% मैटर होना चाहिए जिसको हमें रिवीजन में डालना है। जब भी आपका रेंडम टेस्ट होता है कि रेंडम में क्या पढ़ें, तो रेंडम में क्या पढ़ना है, रेंडम में वो 20% 30% क्वेश्चन ही करने हैं, और वो जो क्वेश्चन आपका जो थ्योरी का नोट्स था, क्लास नोट्स, उसमें से उस थ्योरी के नोट्स में से भी आपको वो 20 से 30% कंटेंट ही उठाना है जो आपने अंडरलाइन कर रखा है। अगर ये चीज हम नहीं करते हैं, देन यू सी एक एक करके 17 से 18 टॉपिक हो जाएंगे फिजिक्स में, इसी तरह बाकी 3 या 2 सब्जेक्ट में भी हो जाएंगे आईआईटी मेडिकल में, और आपके पास में बहुत बल्क इकट्ठा हो जाएगा। उस बल्क को कोई रिवाइज नहीं कर सकता, कोई रिवाइज नहीं कर सकता जब तक कि वो स्क्रूटनाइज नहीं है, वो मॉड्यूलर नहीं है कि हमें इतना ही करना है। पूरा हमने क्लास में पढ़ा ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा, सेकेंड थिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ करके हम उसको फिल्टर करते हुए गए कि हमने यही पढ़ना है। अब वो फिल्ट्रेशन वाला मैटर पढ़ना है ताकि रिविजन जल्दी हो। एक्चुअली रिवीजन से एक कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मेरा रिवाइज है। नहीं होता है तो पूरे टाइम वही रोना कि मेरा रिवाइज नहीं, मैं पेपर देने जा रहा हूं, मेरा रिवाइज नहीं, मैं पेपर देने जा रहा हूं। और अगर आपने 20-30% कर लिया और आपको पता है कि हाँ मेरा रिवाइज है, तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल अलग अलग होता है, उस कॉन्फिडेंस के लेवल के साथ आप हिट कर सकते हैं। सो आपको टीचर के नोट्स को, क्लास नोट्स को स्क्रूटनाइज करना है, उसको फिल्टर कर लेना है सेम डे, और उसके साथ में जो आपके पास बुक्स है और जो शीट है उस शीट को साथ में लेके चलना है, और उसमें से कौन सा रिवाइज करना है, कौन सा टिपिकल है, उसको अंडरलाइन या मार्क करते हुए चलना है, बिना मार्क के काम नहीं चलेगा। फिर रही बात बुक्स की, इसी में हम बुक्स की बात कर लेंगे, हम कौन सी बुक्स करें, कौन सी नहीं करें। आईआईटी के लिए आपको प्रिस्क्राइब कर रखी है सिंगेज का बुक और डीसी पांडे का बुक, इन दोनों को मिला के कम्युलेटिव बहुत अच्छा हो जाता है। एचसीवी है, एचसीवी कर सकते हैं, ये 3 बुक्स को लेके चल सकते हैं आप। कोई कहे कि नहीं, अच्छा 3 बुक्स को उनको लेना चाहिए जो जो 11th 12th फाउंडेशन किए हुए हैं और जो अब वापस टारगेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इन 3 बुक्स को लेके चलना लिए थोरोली। और कोई कहता है कि सर मैं 11th 12th जो है स्कूलिंग से करके आया हूँ, अब 3 बुक का टाइम नहीं मिलता है, क्लास में भी संभालना पड़ता है, देन यू हैव टू गो थ्रू सिंगल बुक। और अगर इन 3 में से सजेस्ट करें तो सिंगेज इज बेस्ट, वो एग्जॉस्टिव मैटर लेके चलती है, तो आप एक ही बुक करना चाहते हैं तो उसको कर लें, बाकी जिनके पास फाउंडेशन का बैकअप है वो 3 बुक्स को लेके चलें। और रही बात मेडिकल की, मेडिकल में हम जैसे यूनिवर्सल प्रिस्क्राइब करते हैं, यहां मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा, फिजिक्स में यूनिवर्सल वो स्टूडेंट करें जो प्योर स्कूलिंग से आए हैं और जिन्होंने पहले न्यूमेरिकल नहीं निकाले, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल जो है टॉपिक वाइज है और एक ही जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, देन यू कम टू नो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होती जाती है। लेकिन वही तो वो बच्चे उस यूनिवर्सल के थ्रू गो थ्रू हों जो स्कूलिंग से आए हैं और अब मेडिकल में अपियर हो रहे हैं टारगेट में, वो उसके साथ करें, या जो 11th 12th में हैं वो भी यूनिवर्सल के साथ जाएं। लेकिन जो बच्चे रिपीटर हैं और जिन्होंने रिपीट कर लिया है और यूनिवर्सल से 1-2 साल में गो थ्रू हो गए हैं, वो वापस उसका बर्डन न लें, उसमें 500 न्यूमेरिकल है उसका बर्डन न लें। या तो आपके पास में स्क्रूटनाइज होने चाहिए कि ये 50 न्यूमेरिकल मुझे इस चैप्टर में से करना है, मैंने पिछले साल की स्टडी से ये पता किया है, तो आप उस यूनिवर्सल को डील करें। नहीं तो आप इसमें आप अपने टीचर्स की हेल्प लें। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक नीट की बुक आती है अरिहंत की, डीसी पांडे की, वो नीट की है, आईआईटी की नहीं है, फिर कह रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, स्क्रूटनाइज कंटेंट है, डीसी पांडे की, अरिहंत की, नीट की बुक वो ले सकते हैं। और नहीं तो एचसीवी में से 80% कंटेंट करें, एचसीवी इज़ नॉट अ टफ बुक, आईआईटी में सबसे ईजी बुक ही एचसीवी है,
और उसमें से 70-80% न्यूमेरिकल जो है वो आप लेके चलें, और आप उसमें अपने कंसर्निंग टीचर से पूछ लें कि सर इसमें से कौन से छोड़ने, उनको 2 मिनट लगेंगे बताने की, लास्ट के 4 क्वेश्चन छोड़ लो, 5 छोड़ लो, बाकी सब कर लो, करना ही पड़ेगा, तो उसको लेके चलें। तो बुक्स के लेके ये फंडा क्लियर रखें, ठीक है। माइनर टेस्ट पेपर रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने टेस्ट दिया, हम 2 स्टेप में सही कर गए, कैसे, कि पहले हमने क्लास में हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ लिया, और दूसरा उसको हमने अपने साथ में उसको रिवाइज कर लिया, न्यूमेरिकल वगैरह निकाल लिए। तो तीसरा स्टेप ये है कि आप माइनर टेस्ट पे, आप माइनर टेस्ट दे के आए, 45 क्वेश्चन थे, आपने मान लो उस 45 में से 30-35 वन स्लॉट में कर लिए, या 20 कर लिए, 25 कर लिए, व्हाट एवर भी जो भी आपका स्कोर है, तो बाकी के क्वेश्चन तो अपने से हुए नहीं, तो उन क्वेश्चन को फिर सर्कल कर लें, क्योंकि वो माइनर टेस्ट पेपर रिवीजन मांग रहा है, वो माइनर टेस्ट पेपर रिवीजन मांग रहा है। उस रिवीजन के लिए उसको पूरे 45 क्वेश्चन बार बार रिवाइज नहीं होंगे, उसमें से अगर टॉपर रैंक का बच्चा है, 3 क्वेश्चन है तो 3 सर्कल कर लें, 5 है तो 5 सर्कल कर लें, 10 है तो 10 सर्कल कर लें, और वो 10 सर्कल को रिवीजन में लेना है। जब रैंडम टेस्ट आया तो वो 5 पेपर उसके निकाल लिए, या उस टॉपिक के पेपर निकाल लिए, उस टॉपिक के पेपर में से वो 5-5 क्वेश्चन जो थे या 10-10 क्वेश्चन जो थे उनको रिवाइज कर लिया, तो कमजोरी तो निकल गई ना वहां से, तो वो कमजोरी निकल जाएगी, रेदर देन कि पूरा पेपर रिवाइज करे माइनर का, कोई करता भी नहीं है, पूरा पेपर माइनर का रिवाइज करने का टाइम भी नहीं है हमको। माइनर टेस्ट पेपर को रिवाइज क्यों करना है, क्योंकि एवरेज आपने देखा है पहले भी, स्क्रीन पे भी देखा होगा, कई बच्चे 100-100 टेस्ट पेपर दे देते हैं, तो एवरेज आपको इतने पेपर कराए जाते हैं, अगर 100 पेपर करा रहे हैं तो 45 के हिसाब से 4500 क्वेश्चन हुए, फिर बचता क्या है किताब में, 4500 क्वेश्चन आप गो थ्रू हुए और उसमें आपने कुछ कर लिए और बाकी के डाउट पूछ लिया और उसको रिवाइज कर लिया, तो कंटेंट में बचता कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने, आपके पास शीट भी है तो शीट में भी इतना बल्क में मटेरियल है, तो एवरेज कैलकुलेशन से बात करें तो 10,000 क्वेश्चन तो सिस्टम ही आपको दे देता है, 10,000 क्वेश्चन ऑन फिजिक्स, कि 10,000 क्वेश्चन शीट के मिला के, रैंडम के मिला के, DTS के मिला के, पेपर्स के मिला के 10,000 क्वेश्चन फिजिक्स के मिल जाते हैं, बाहर कुछ नहीं रहता उसमें, बस उसको ढंग से किया हुआ होना चाहिए, तो उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और वो रिविजन करना है। ये स्टेप्स हैं, ये कल के जैसे सर ने कहा कि 2-2.5-3 घंटे का एग्जॉस्टिव डिस्कशन के बाद निकला हुआ है ये, कि उसको माइनर पेपर रिवाइज करने चाहिए, ठीक है। ट्यूजडे संडे टू ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है, ईट दैट फ्रॉग इन अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रॉग से मतलब मेंढक से है, मेंढक की शक्ल देख के ही घिन आती है, जैसे छिपकली की शक्ल देख के घिन आती है, तो जो चीज से घिन आती है ना उसको पहले चोट पे ले लो। ये आप पेपर में भी कर सकते हैं, लाइफ में भी कर सकते हैं, कि पूरे दिन में जो आपके पास काम है, वैसे तो नाइट में ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि कल क्या काम करना है, नाइट में आपके पास में डिसाइड है कि कल पूरे दिन में ये काम करना है, अगर ये आपके पास डिसाइड है, जो कि सारे सक्सेसफुल लोग करते हैं, सारे बिलियनर्स मिलियनर्स जितने हैं वो सब एक ही चीज को लेकर चलते हैं, उनके पास पहली नाइट को ही होता है कि कल मुझे क्या करना है, और उसमें भी जो कल की जो लिस्ट है उसमें जो सबसे टफ काम है उसको सबसे पहले करना है, ईट दैट फ्रॉग, कि उसको सुबह उठते ही वही खत्म किया, ताकि पूरे दिन बाकी सही हो जाए, कि एक बार में उसको खत्म किया। ये डेली लाइफ में भी डाल सकते हैं, और इसको अगर हम अपनी स्टडी के साथ डालें, जोड़ें, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें टफ लगते हैं, या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें टफ लगते हैं। कोई चीज टफ तब तक ही लगती है जब तक हमारा उसके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और इन्वॉल्वमेंट के लिए टाइम चाहिए होता है, चाहे रिलेशन ही क्यों ना हो। तो अब जब हमें टाइम चाहिए तो एक संडे चूज कर लें आप, आपने एक चैप्टर पकड़ लिया, सपोज रोटेशन को पकड़ के आपने ये सोचा कि यार ये मेरे को टफ लगता है, उसको मॉड्यूलर कर लो, भाई रोटेशन में क्या टॉपिक है, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोटेशन में फिर आगे जाएंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम वगैरह सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आ गया, उसके बाद में टॉर्क पे आ जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम पे आ जाएंगे, और फिर रोलिंग पे आ जाएंगे, तो मोटा मोटी 4 टॉपिक पकड़ लिए, उसमें से सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चले गए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे 3 घंटे लगा दिए, जहां किताब से, नोट से, जहां जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला उसको थ्योरी पढ़ के उसको डिसाइड कर लिया, खत्म कर लिया 3 घंटे में। 3 घंटे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लोगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार हो गया रोटेशन में से, फिर टॉर्क पे आए या एंगुलर मोमेंटम पे आए। एंगुलर मोमेंटम का आपने पढ़ना चालू किया, पहले नोट से पढ़ लिया सर के नोट से पढ़ने के बाद में आपने क्वेश्चन बैंक निकाल लिया, क्वेश्चन बैंक निकाल के किताब से कर लिए, किताब से करने के बाद पेपर से कर लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए। देखो कमजोरी जो होती है ना
उसको निकालने का एक ही तरीका है कि उसके साथ में लंबे समय तक रहा जाए, और वो ऐसा तब हो सकता है जब आप एक संडे चूज कर लें और उस संडे पे उस कंसर्निंग टॉपिक पे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे लगा दें। मैं तो कहता हूँ अगर 10 घंटे अगर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे संडे को लगा देता है तो डैम श्योर वो उसका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। और अब तक फेवरेट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने टाइम नहीं दिया। और टाइम क्यों नहीं दिया? हमारे दिमाग में सेट है क्या कि यार वो टफ है। तो कंसर्निंग टीचर से पूछ लो कि सर हम संडे को ये टॉपिक करना चाहते हैं, हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, चाहे SHM का हो, ग्रेविटेशन का हो, फ्लूइड का हो, थर्मो का हो, है ना। तो एक बार सर से पूछ लो जाते हो कि सर मेरे को संडे को ये करना है तो मुझे इसमें कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए और कौन सी किताब से कर लेना चाहिए, फिर उसके साथ 8-9 घंटे दे दो, वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसे साल में 10 संडे भी निकाल लेते हो तो 10 टॉपिक निकल जाएंगे। और एक एक अगर आपका थोड़ा सा एफिशिएंसी सही है तो एक दिन में 2 टॉपिक निकाल लो संडे के दिन, तो वो कमजोरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कमजोरी निकालना जरूरी है। ठीक है, तो उसको लेके आप थोड़ा सा वर्कआउट करें कि हमारे कमजोर टॉपिक कौन से, उसकी भी लिस्ट बना लो, क्योंकि लिखे बगैर काम नहीं चलता, चीजें भूल जाते हम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा बर्डन होता है। तो पेपर पे लिख, इवन ये भी याद नहीं रहता कि मुझे इस पर डील करना है, कि मुझे इस पर काम करना है। तो अगर आपने लिख रखा है कि इस संडे पे मुझे ये टॉपिक करना है तो वो लिखा हुआ 2-4 बार आंख के सामने से जाएगा, तो ब्रेन को इंस्ट्रक्शन मिलेगा, सोल को इंस्ट्रक्शन मिलेगा, और आप संडे के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि मुझे ये काम करना है इस संडे को। तो ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देने का सबसे सही तरीका यही है कि आप उसको लिख लें, लिखा हुआ ज्यादा काम आएगा, नहीं तो डाइवर्जन बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो उस डाइवर्जन से बचने के लिए चीजों को लिख लें। कभी मार्केट में डाइवर्ट भी हो गए तो चीज लिखी हुई सामने आएगी, तो वापस अपने टारगेट पे, अपने फोकस पे, अपने गोल पे आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। हैंडलिंग ऑफ द AR क्वेश्चन, इसको लेके बड़ा बवाल है। देखो AR के क्वेश्चन में जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि आपने एसर्शन पढ़ा, फिर आपने रीजन पढ़ा और अपने ब्रेन को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि क्या रीजन जो है एसर्शन को प्रूव करता है, और उसी के चक्कर में लगे पड़े हैं कि इस रीजन को इस एसर्शन के साथ सेट करना है। क्यों भाई, ऐसा नहीं होता। एसर्शन और रीजन के जो 2 स्टेटमेंट हैं दोनों इंडिविजुअल हैं अपने आप में। इंडिविजुअल मतलब आपको इसके करने का टेक्निक बताता हूं, जो कल ही डिस्कस हुआ वो ये है कि सबसे पहले आप एसर्शन पढ़ लें, आप रीजन ना पढ़ें अभी, एसर्शन पढ़ लिया आपने। पढ़ लिया तो 2 चीज हो सकती है, या तो एसर्शन सही होगा या गलत होगा। गलत होगा तो 3rd-4th ऑप्शन में चले जाओगे, तो बात ही खत्म हो गई। और अगर सही है तो एक बार ईमानदारी से सोच लो कि इसका रीजन क्या है, खुद सोच लो कि इसका रीजन क्या है। वो रीजन आपने सोच लिया, उसके बाद में आप रीजन पढ़ें, ना कि पहले ही रीजन पढ़ लें, उसके बाद में आप रीजन की तरफ जाएं। और रीजन को आपने पढ़ा तो 2 चीज हो सकती है, या तो गलत होगा या सही होगा। अगर गलत है तो ठीक है, इससे बढ़िया बात ही नहीं है, तो 3rd-4th ऑप्शन में आ गया अपना आंसर। और अगर सही है वो रीजन, तो ये देखें कि या ये वही रीजन है जो हम सोच रहे थे। अगर वही है तो ठीक है, 1st आंसर है, और वह नहीं है तो वो 2nd आंसर है। लेकिन ये गेम प्रैक्टिस का है। आप ऐसे रूम पे बैठ के 15 से 20 क्वेश्चन करें या 10 क्वेश्चन करें, और जब भी करें ऐसे ही करें एसर्शन रीजन को, तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। नहीं तो वह एसर्शन रीजन की कुश्ती लड़ लोगे, कुछ होने वाला नहीं उसमें। और 1st और 2nd में जब ऑप्शन में टिक करना है तो बहुत क्रूशियल मामला है, टीचर्स को भी सोचना पड़ता है कि 1st और 2nd में से देना है सही कौन सा देना है। 3rd और 4th में तो बहुत खुशी होती है कि हाँ एक गलत एक सही है, दोनों गलत ठीक है। लेकिन 1st और 2nd के लिए अगर उससे सही निकलना है तो आप पहले एसर्शन पढ़ें, उसका डिसाइड करें गलत है या सही है तो रीजन डिसाइड कर लें, उसके बाद आप रीजन पढ़ें और इसको प्रैक्टिस में लाएं। रूम पे जब प्रैक्टिस करें तो उसको प्रैक्टिस में लाएं। ये इस तरीके से चलने का ये एक एग्जॉस्टिव मटेरियल है। इसके बाद में कुछ चीज़ें हैं, जैसे टाइम वेस्ट ना करें, जब भी टाइम मिले पढ़ने में डालें। हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है सिवाय पढ़ने के, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के। एंड यू पीपल आर लकी कि आपको सब कुछ मिला है, कि आप यहाँ तक बैठे हैं, कि गार्जियन ने पैसा भी लगा दिया है, और सब कुछ लगाने के बाद में आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे दिया है और वहाँ से आपको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, उड़ता तीर लेना नहीं है, और अपने टारगेट पे फोकस, साल फोकस रहना है, साल एक की बात है। और इसके लिए भी लंबा काम ना सोचे, पर डे के हिसाब से चलेगी, भैया इस दिन ये करना है, कल का आज का निकला, कल का निकला आज का निकला, कल का निकला, उसको वन डे चलते रहे, 1 वीक 1 मंथ और 1 ईयर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके साथ लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि मिडिल क्लास से जितना ऊपर तक है उसमें सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको पढ़ के ही करियर बनाना है। कोई गार्जियन ये नहीं कि हाँ मेरी 50,000 तनख्वाह है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाई छुड़ा दिए, इसको कुछ और करूंगा, नहीं, इसको भी पढ़ाना है। तो पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन आप उसको स्क्रूटनाइज लेके चलें और इस तरीके से लेके चलें।
और फिर आप टीचर के कॉन्टेक्ट में रहा कीजिए, उनसे पूछा कीजिए कि सर मुझे कैसे करना, आपके पास डाउट होगा तो वो जरूर उस पर आपको एक प्रॉपर एडवाइस कर पाएंगे कि इसको कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात, इसको लंबे समय तक लेके चलिए, इसको पूरे साल लेके चलिए, और इसको पूरे साल लेके चलेंगे तो आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, और इस पूरे से ही कॉन्फिडेंस आएगा, इस पूरे से ही क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जाम में गेम कॉन्फिडेंस का ही है और कुछ नहीं है। पढ़ा तो सब है आपने, बहुत पढ़ा है, मतलब कई बच्चे ऐसे होंगे, मैं कहता हूँ उनको मेरे से ज़्यादा थियोरी आती है, समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ थ्योरी से नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर न्यूमेरिकल, मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में भी, मोर एंड मोर न्यूमेरिकल, जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, और डाइवर्जन न लें। मैंने एक टॉपर बच्चे के बारे में सुना कि आजकल वो चेतन भगत के नॉवेल पढ़ रहा है, मैं उसको मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ से कि इसके लिए पूरी लाइफ पढ़ी है, इसके लिए पूरी लाइफ पढ़ी है, जितने नॉवेल पढ़ने पढ़ लेना, लेकिन अगर सही रिजल्ट ना दे पाए तो दुनिया से भी नज़र नहीं मिला पाओगे और खुद से भी नज़र नहीं मिला पाओगे, और नंबर नहीं लाने से, अच्छा स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि नंबर नहीं लाने से पूरे जीवन भर वो टीस रहती है, पूरे जीवन भर वो टीस रहती है, समझ रहे हो, और वो कभी बात आती है तो वहीं से निकलती है। मेरे पास ऐसी कई है कि मेरे को लगता है कि यार वहाँ नंबर नहीं थे, वहाँ नंबर नहीं थे, वहाँ नंबर नहीं थे, इसलिए कोई डाइवर्जन मत लो, सिर्फ फोकस करो पढ़ने पे, गार्जियन ने हमको पढ़ने के लिए भेजा है और उसी पे फोकस करो एक साल के लिए, उसके बाद जो करना है करना देखेंगे, तो इस पे करें। थैंक यू।